हेलो एवरीवन, सीयूटीएम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जाम में हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन के काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमने रिटर्न टू स्केल को समझ लिया है और अब हम जो है रिटर्न टू फैक्टर को समझेंगे। ठीक है, रिटर्न टू फैक्टर में आपके क्या क्या चीज़ें होती है और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और डिमिनिशिंग रिटर्न को भी हम जानेंगे इन डिटेल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं सीयूटीएम इकोनॉमिक्स, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी रनिंग है। ठीक है, इसमें आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, फुल टाइम टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी। तो स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके रेगुलर क्लासेस रन कर रही है 2 से 3 घंटे की, जो कि जिसमें आपको मैथ्स और स्टैट्स जो है आपको पढ़ाया जा रहा है, साथ साथ आपके इकोनॉमिक्स का भी पोर्शन आपको कवर करवाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे इन डिटेल। हमने जो है प्रोडक्शन फंक्शन में देखा था कि आपके दो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, एक आपका शॉर्ट रन होता है और एक आपका लॉन्ग रन होता है। ठीक है, शॉर्ट रन हमने देखा, शॉर्ट रन में हमने क्या देखा कि आपके लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, हम यहाँ पर स्टडी करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की स्टडी करते हैं, प्रोपोर्शन, और हम किसकी स्टडी करते हैं, रिटर्न टू फैक्टर। ठीक है, रिटर्न टू फैक्टर की स्टडी करते हैं और इसको हम रिटर्न टू फैक्टर भी कहते हैं। बट अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में आपको क्या पढ़ने के लिए मिलता है, हमने लॉन्ग रन देख लिया है, लॉन्ग रन में हमें रिटर्न टू स्केल देखने के लिए मिलता है। ठीक है, रिटर्न टू स्केल देखने के लिए मिलता है। क्लियर है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो लॉन्ग रन को तो हमने देख लिया, शॉर्ट रन को हम समझेंगे यहाँ पर। तो शॉर्ट रन में जो आपका होता है रिटर्न टू क्या होता है, आपके फैक्टर होता है। जैसे जैसे हम लेबर को बढ़ाते हैं, आप सभी को पता है कि शॉर्ट रन में आपको फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अगर हम इसके फंक्शन को बनाएं तो क्यू इज़ द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। कैपिटल आपका क्या होगा, फिक्स्ड होगा, इसीलिए उसके ऊपर भार लग जाएगा, यानी कैपिटल में कोई भी बदलाव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यानी अगर आपका आउटपुट बढ़ता है, कैपिटल आपका स्टिल जितना आपको यूज़ कर रहा है उतना ही कैपिटल को आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि आपका, जैसे मान लीजिए ये आपका आउटपुट है ना, दिस इज क्वांटिटी, ये आपका आउटपुट है, ये आपका फिक्स फैक्टर है। देखिए 111, दैट इज आपका फिक्स फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर की बात करेंगे तो आप देख रहे हो कि जब आपका आउटपुट जीरो, मतलब आपका आउटपुट जीरो है, तो वहाँ पर आपने लैंड को कितना, लेबर को कितना लगाया, जीरो लेबर लगाया। जब आप लेबर को बढ़ा रहे हैं तो आपके आपका आउटपुट भी आप देख रहे हैं इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है, तो ये आपका क्या हो गया, जैसे जैसे हम लेबर को बढ़ा रहे हैं यानी वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा आउटपुट भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम मार्जिनल प्रोडक्ट को निकालें तो अगर हम स्टेज वन में निकालते हैं, मतलब फर्स्ट पॉइंट से ही निकालते हैं, तो शुरुआत में आपके पीछे कोई तो है नहीं, है ना। अगर इसका फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन लेबर, लेबर के चेंज होने से की वजह से आपके टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया। ठीक है, तो पिछला आप देखेंगे कुछ तो है नहीं, तो यहाँ पर डैश आपके आ जाएगा। पर अब नेक्स्ट आपके टीपी एन है ये, और पिछला क्या है, टीपी एन माइनस वन है। ठीक है, फॉर्मूला इसका ये भी है, टीपी एन माइनस वन डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर का क्या हो जाएगा, एल एन माइनस वन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लेबर कितना चेंज हो रहा है, वन से चेंज हो रहा है, और कैपिटल कितना चेंज हो रहा है, टू से, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर टू आ जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं आपका चेंज कितना है, 6 माइनस 2 करिए, 4 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज आपके 4 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लीजिए, 12 माइनस 6 चेंज आया, और यहाँ पर आप 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1, तो आपके 6 आ जाएगा। आप इस तरीके से आप मार्जिनल प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। ठीक है, यह फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपके जब आप वेरिएबल फैक्टर को लगा रहे हैं, जैसे जैसे आप लेबर को लगा रहे हैं, वैसे वैसे आपका आउटपुट भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, आपके आउटपुट में क्या देखने के लिए मिल रहा है, इंक्रीज हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ये पॉइंट हमें याद रखिएगा। शुरुआत में आप ये चीज़ देखिएगा कि आपका आउटपुट ज़्यादा तेजी से बदलेगा। ठीक है, आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा इन फर्स्ट फेज। ठीक है, टीपी जो है आपके इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, बट आप देखेंगे उसके बाद जो इसका रेट कम हो जाता है और उसके बाद और कम तेजी से गिरने लगता है। तो स्टेज वन में आपकी क्या होता है, टीपी क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट आपके इंक्रीज करता है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी आपके इंक्रीज कर रहा होता है, और एवरेज प्रोडक्ट भी आपके क्या कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। स्टेज वन में कौन मैक्सिमम पे पहुंचता है, मार्जिनल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है, मैक्सिमम बिंदु पे पहुंच जाता है। स्टेज सेकंड की बात करें तो दो चीज़ें आपके मैक्सिमम पे पहुंचती हैं, टीपी मैक्सिमम पे पहुंचती है। ठीक है,
जहां पर आपके एमपी क्या होता है, जीरो हो जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। स्टेज सेकंड में ही आपके एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम पे पहुंचता है और इसी स्टेज में आपके मार्जिनल प्रोडक्ट उसको कट कर रहा होता है। जहां पर आपके एपी मैक्सिमम पे होता है वहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट उसको कट कर रहा होता है। स्टेज सेकंड हमेशा प्रोड्यूसर चूज करता है। थर्ड स्टेज में सब कुछ गिर रहा होता है, टीपी भी गिर रहा होता है, एमपी भी गिर रहा होता है और एपी भी आपके डिक्लाइन कर रहा होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है? इट वी अज्यूम दैट लैंड इज द फिक्स्ड फैक्टर एंड लेबर इज द वेरिएबल फैक्टर। यहाँ पर लैंड को फिक्स फैक्टर ले लिया है। अब टेबल आपने देखा कि जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ रहा था वैसे वैसे आप जैसे जैसे आप लेबर लगा रहे थे वैसे वैसे आपका आउटपुट बढ़ रहा था। ठीक है, अब डायग्राम से आप समझिए। शुरुआत में आप देख रहे हैं कि टीपी आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। किस रेट से? आपके इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, इंक्रीजिंग रेट है। ठीक है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है क्या? टोटल प्रोडक्ट आपका। ठीक, और आप देख रहे हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट भी शुरुआत में बढ़ रहा है और अपने मैक्सिमम पॉइंट पे ये पहुंचता है। मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या करता है, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे इस स्टेज में पहुंचता है। और अगर हम एवरेज प्रोडक्ट को भी बनाएंगे तो एवरेज प्रोडक्ट भी आपके क्या करेगा, वो भी इस स्टेज में आपके क्या करता है, इंक्रीज करता है। एवरेज प्रोडक्ट भी आपके इंक्रीज कर रहा होता है। एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था? पर यूनिट आउटपुट, मतलब आपके लेबर के लेबर कितना, एक लेबर कितना आउटपुट निकाल पा रहा है, क्यू अपॉन एल, है ना? ठीक है, और आपके टीपी का क्या फॉर्मूला था? समेशन मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, और एमपी का क्या फॉर्मूला था? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। ठीक, तो स्टेज वन में टीपी भी इंक्रीज करता है, एमपी भी आपके मैक्सिमम पे पहुंचता है और एपी भी आपके इंक्रीज कर रहा होता है। बट अभी भी मैक्सिमम पे आपके टीपी नहीं पहुंच पाए। स्टेज सेकेंड में आप याद रखिएगा, जहां पर आपके एपी मैक्सिमम पे होता है, एपी आपके जहां पर मैक्सिमम पे होता है, ठीक है, एपी जहां पर मैक्स पे होता है वहां पर एमपी उसको क्या कर रहा होता है, कट कर रहा होता है, कट्स, एमपी कट्स। ठीक है, जहां यहां पर देखिए टीपी क्या है, अपने टोटल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पे पहुंचा, मार्जिनल प्रोडक्ट उसको क्या कर रहा है, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट उस टाइम पे क्या है, जीरो है। तो जहां पर टीपी मैक्सिमम पे होता है मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है आपका, जीरो होता है। स्टेज सेकंड में ये सब चीजें हो रही हैं। स्टेज सेकंड में आपके टीपी क्या कर रहा होता है, किस रेट से बढ़ता है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है बट उसका रेट क्या है, गिर गया है। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट भी क्या होता है, गिरने लगता है, मैक्सिमम पहुंच के अपने गिरने लगता है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी आपके डिक्लाइन करने लगता है स्टेज सेकंड में। बट आप थर्ड स्टेज देखोगे नेगेटिव वाला, वहां पर आप देखोगे कि सभी चीजें, टीपी भी डिक्लाइन करने लगेगा, एमपी भी एंड एपी भी डिक्लाइन करने लगेगा। ठीक है, तो स्टेज वन में क्या हुआ, टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट एंड एम पी ऑल्सो इंक्रीजेस। मैंने बोला आपको कि टीपी बढ़ रहा है और एम पी भी बढ़ रहा है। एम पी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर एंड इट कॉल्ड एज स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। आप देख रहे हैं कि एम पी भी इंक्रीज आपके कर रहा है। और इन द एग्जाम्पल स्टेज वन लॉ ऑफ लॉ रन थ्री यूनिट्स ऑफ लेबर। आप देख रहे थे कि आपके तीन यूनिट लेबर लगाया गया था स्टेज वन में, है ना? आप अगर इस पे देखेंगे, एक मिनट रुक जाइए, आपके यहाँ पर तीन यूनिट ऑफ लेबर लगाया गया था, आपके आउटपुट देखिए 12 तक गया था मैक्सिमम। ठीक है, तो आपका शुरुआत में टीपी भी बढ़ रहा है, एमपी भी इंक्रीज कर रहा है और एमपी भी यहाँ पर मैक्सिमम पे पहुंच चुका है। ठीक है, और एपी भी, आप एपी का डायग्राम बनाएंगे तो ये भी बढ़ रहा होता है। स्टेज सेकेंड हमेशा प्रोड्यूसर चूज करता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें टीपी बढ़ तो रहा है बट उसका रेट आप क्या हो चुका है, गिर चुका है, वो कम दर से आपके बढ़ रहा है। और एमपी क्या होता है, डिमिनिश करने लगता है, आपके गिरने लगता है। एमपी का ग्राफ आप देखेंगे पीछे तो वो देखिए आपके गिरने लग रहा है। ये ग्राफ आप देख रहे हैं ब्लैक वाला कलर, ये गिर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इस स्टेज में एमपी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जैसे जैसे आप लेबर को लगाते जा रहे हैं एमपी और ज्यादा तेजी से आपके गिरने लग रहा है। ठीक है, स्टेज सेकेंड में एक चीज याद रखिएगा कि टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है और यहाँ पर आपके एमपी, जब टीपी मैक्सिमम पे होता है तो एमपी अपने क्या होता है, जीरो पॉइंट पे होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और यहाँ पर एवरेज प्रोडक्ट भी आपके क्या होता है, मैक्सिमम पॉइंट पे कट आपके पहुंचता है और आपके एमपी उसको क्या करता है, कट करता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। थर्ड स्टेज में हमारा टीपी डिक्लाइन करने लगता है और एमपी डिक्रीज करने लगता है और एक तरीके से नेगेटिव आपका हो जाता है। तो थर्ड स्टेज तो कभी भी प्रोड्यूसर चूज नहीं करता है। स्टेज वन में प्रोड्यूसर रैशनल है, वो ऑपरेट करेगा हमेशा, याद रखिएगा। सेकेंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में कभी भी नहीं जाएगा। लिखा है वुड नॉट लाइक टू ऑपरेट इन थर्ड स्टेज। प्रोड्यूसर कभी भी थर्ड स्टेज में प्रोडक्शन करना
पसंद नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि टोटल प्रोडक्ट आपका क्या हो जा रहा है, नेगेटिव, गिरने लग रहा है, डिक्लाइन करने लग रहा है। तो प्रोड्यूसर जो है हमेशा थर्ड स्टेज को चूज करेगा, सेकेंड स्टेज को सॉरी चूज करेगा। रैशनल प्रोड्यूसर नेवर चूज फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ही देयर फॉर लाइक्स टू ऑपरेट इन स्टेज सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर उसका भले ही डिमिनिशिंग रिटर्न है, बट आपके जैसे जैसे लेबर को बढ़ा रहा है, आपका टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे पहुंच चुका है स्टेज सेकेंड में। तो बीइंग अ प्रोड्यूसर आप किस स्टेज में जाना पसंद करेंगे? स्टेज सेकेंड में। तो रिटर्न टू फैक्टर कितने तरीके के हो गए? आपके इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर और नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर आपके हो गया। ठीक है, ये आपके देखने के लिए मिला। आप टीपी के ग्राफ से इसको देख लीजिएगा, रिलेशन बहुत पूछता है, तो इसीलिए आप याद रखिएगा कि आपको रिलेशन पढ़ के जाना है, सारे रीजन को पता करके जाना है। ठीक है, क्लियर है? ये सब रीजन दिया गया कि क्यों ऑपरेट कर रहा है आपके सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज में आपके प्रोड्यूसर जो है मैक्सिमम प्रोड्यूस प्रोडक्शन करता है, यानी टीपी आपके क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इज इट क्लियर? और ये कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और भी कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे आगे की वीडियोस में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।